इस वक्त अपने घर बैठा जी। एक जर्नी जो मैंने मैं शुरू की थी जी, वो सी कश्मीर तो कन्याकुमारी जान दी। और मैं पहला बंदा सी जो इलैक्ट्रिक साइकिल दे कश्मीर तो कन्याकुमारी सफ़र करना चाहता सी और कर चुके हैं इस वक्त। तो मकसद मेन मकसद सीगा, मैं लोगों को कहता पैसे कि इलैक्ट्रिक अपनाओ तो पर्यावरण बचाओ, दूसरा वो तो वह पेड़ लगाएं ता जो आपको और हमें अच्छी सांस आए, और तीसरा सीगा ऑर्गेनिक खाओ ता जो सेहत बने, ऑर्गेनिक खाओ सेहत बनाओ। मतलब तीन मकसद मैं चलिया सीगा, तो काफ़ी हद तक मैं लग्या कि मैं अपने मकसद कामयाब भी हाँ। सर जे तो मैं शुरू तो लैके करा जिमें घरों चलन तो लैके घर आने तक तो 50 दिन का सफ़र सीगा, तो जे मैं अपने साइकिलिंग सफ़र का करा तो 38 दिन का कुछ सफ़र सीगा जिस मैं कश्मीर तो कन्याकुमारी पहुँच गया जी। कदों शुरुआत की थी? शुरुआत जी 13 तरीक न की है, तो मेरा भांजा भी 13 तरीक न पैदा होया सीगा उदों, तो जो लास्ट है वो अंत सफ़र का मैं किया सीगा 30 तरीक न। आई थिंक सफ़र तो बहुत अनएक्सपैक्टेड जिन्होंने कह सकते, इन्नी ज़्यादा लो एक इंसानियत देखने को मिली मैनू अपने सफ़र च। 100 बंदों 99 बंदे मदद करने लिए अगे आए, ठीक है, गल्लां सुनिया गल्लां कीतियां, हर एक दे कल्चर बारे जाने, हर एक नू संदेशा देने की मैं पूरी कोशिश की, तो काफ़ी हद तक मैनू लग्या कि बहुत ही 2000 से 3000 बंदे भी नाल जुड़े, तो काफ़ी हद तक मैनू लग्या कि मेरा सफ़र कामयाब है। एक्चुअली प्लैन साडा बहुत पहले दा सीगा पर मेरी डिग्री करके रुक जांदे सीगे, क्योंकि मेरा नाम वैसे डॉक्टर शिव नमराना है और मेरी डिग्री फिलहाल विच ही हुणी कंप्लीट होई आ, तो उस करके हमेशा साडा प्लैन रुक जांदा सीगा कि किदां करना है। तो जद कंप्लीट हो गई तो मैं किया हजे, क्योंकि ओबवियसली जॉब लगन च भी टाइम लगूगा, तो उस टाइम विच मैं क्या तुसी जिहड़ा करना चाहते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही इदां दी कोई भी चीज़ हैगी आ उहदे लई सपोर्टिव हैगी आ। मतलब तो वधिया गल है, क्योंकि साडा मतलब साडा चैनल भी है यूट्यूब चैनल क्रेजी हम तुम, उहदे च भी आपां एंड विच हमेशा इक्को ही चीज़ कहिंदे आ, पेड़ लगाओ ताकि आपको और हमें अच्छी सांस आए। तो यही इस चीज़ को ही लेके हम चले थे, इलेक्ट्रिक अपनाओ और कोई ऐसी चीज़ें जो हमेशा डिग्रेड हो जाती है ना, पोल्यूशन नहीं करती हैं, हमारा हमेशा से मोटिव रहा। हम अपने घर में भी वैसे ही यूज़ करते हैं, हमारे किचन में से कोई ऐसा वेस्ट नहीं है जो ज़्यादा निकलता है, मतलब ज़ीरो आप बोल सकते हो, ज़ीरो भी नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं ना कहीं प्लास्टिक फिर भी यूज़ हो ही जाती है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक ना लाएँ, बैग यूज़ करें, और जो किचन का वेस्ट है वो हम सारा अपने पौधों में यूज़ करते हैं। तो इसी चक्कर इसी उसमें हम लोगों का एक ये ऐसा स्टेप था और इसी मोटिवेशन के साथ ये चलें, और मैं बड़ी खुश हूँ कि इन्होंने कंप्लीट करा, क्योंकि मुझे आधे रास्ते तक था कि कहीं पे ये वापस आके ये ना बोलें कि बस मेरा हो गया। मुझे बीच में कभी भी होता था, कभी भी आप बोल सकते हो आप वापस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन में ऐसा होता था कि कंप्लीट होए अच्छा होए, और वैसा करा भी मैं। मतलब उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हूँ, और भगवान जी का भी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे थैंक यू है। मुझे अपनी मम्मी डैडी पे भी मतलब काफ़ी प्राउड है, उन्होंने मुझे मतलब बिल्कुल सपोर्ट करा है, और बीच में वो आए भी हैं, वहाँ मेरे साथ रहे भी हैं। बाकी उन्होंने जैसा मुझे परवरिश दी है वैसे ही है कि मैं अकेले इतने दिन वहाँ पे रही, मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के भी लोग काफ़ी अच्छे थे, वो कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं वो, मतलब जो इनके सर हैं और जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वो भी काफ़ी हेल्पिंग सपोर्टिव रहे हैं, मुझे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो वो हुआ है सब कुछ, उनके बिना मतलब ये पॉसिबल नहीं था कहीं ना कहीं। उन्होंने मेरे ना कोई गल नहीं की थी, ये तो सफ़र करना ही ना, तो सफ़र तो कोई 3 दिन पहले मैंने दसिया कि मैं इस तरह से टूर बनाया तो मैं जाना गया। मैं इन्होंने कहा भी मैं तुम मेरे ना पहले गल कर दे तोड़ा, मैं टूर जोड़ा इन्ना वधिया सक्सैसफुल बनाता कोई गल नहीं करा, हर तरह का मदद पूरी करता है। तो क्योंकि साडा जो डिपार्टमेंट है वो नेहरू युवा केंद्र है, नेहरू युवा केंद्र के दफ्तर जोड़े आ पूरे आल इंडिया है, तो उन्होंने मैं गल करके मैं इस वे रिटायर्ड हाँ नेहरू युवा केंद्र तो, इन्हों का मैं इस तरह एडा वधिया टूर बनाना सी भी हर जिले से साडा दफ्तर है, तो हर जिले से इन्हें स्टे मिल जाना सी, हर जिले से यदि रिसैप्शन होनी सी, हर जिले ने खबर लवानिया सी इन्हों दी, तो इन्होंने मेरे ना गल बाद की, फिर मैं ना वो कर नहीं सकया कि जो मैं करना चाहता सी। लगता जो मकसद लैके चलिया सी वो मकसद दा किस तरह देखते? हाँ वो मकसद बहुत वधिया है, क्योंकि असी भी प्लांटेशन अपने जिले से इन्नी प्लांटेशन कराई ना, साडे कोल NRC प्रोजेक्ट आया सी, तो उस प्रोजेक्ट असी प्लांटेशन ही की पूरे जिले से, तो उदो भी डीसी साहब ने साडे नेहरू युवा केंद्र नू आल इंडिया से कि पंजाब से पूरा पहले नंबर ते लिया सी, तो आल इंडिया से भी पहले नंबर से साडा आया सी। बिल्कुल बिल्कुल, जे जिहड़ी सोच ये लैके चलिया ना वो बहुत ही वधिया सोच ही, तो वो जे सारे नौजवान अपनाते हैं तो एक तो शरीरक पक्षों भी तो एक नशे तो भी वो बच सकते हैं।